Hey guys, good morning everybody. Good morning everyone. Good morning, कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया बढ़िया, तैयार हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। नीट फॉर्म आ गया है क्या? अभी डेट नहीं आई, नीट फॉर्म कैसे आ जाएगा? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? हाँ बढ़िया बढ़िया, गुड गुड। पेपर का एनालिसिस करने के लिए तैयार हैं? हाँ तैयार हैं पेपर का एनालिसिस करने के लिए। अच्छा तो शुरू करें। हाँ यू नो यू हैव टू बी विद मी, या जब मुझे लगेगा ठीक तो आई विल शेयर विद यू दैट व्हाट हैज हैपेंड। बट अभी अभी के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी विद मी, ओके? सो आई माइट नॉट बी इंटरैक्टिंग वेरी मच विद यू, एंड आई जस्ट डिडंट वांट टू मिस द क्लास बिकॉज आई सॉ दैट यू गाइज वर वेटिंग अबाउट दिस क्लास फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू नो, बिकॉज वी हैव कम्प्लीटेड द सिलेबस ऑफ नीट का, है ना, तो 11th एंड 12th का। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक दिस क्लास, सो आई माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, बट जितना भी हम लोग कर पाएंगे तो हम लोग उसको करेंगे आज, ठीक है? सो ओके, सो लेट अस जस्ट बिगिन, है ना, करते हैं। हाँ या सो नहीं नहीं बस आई एम गुड या सो लेट अस जस्ट स्टार्ट गाइज। इट इज़ नॉट अ मेंटी, ये हमारा ये एनालिसिस है पेपर का, तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग द आंसर्स, है ना, आंसर्स को एक्सप्लेन हम लोग करेंगे, ओके? एंड क्या हुआ है आपको? एक्चुअली आई वॉज सपोज टू गो होम राइट नाउ बट आई कुड नॉट, अ वेरी वन डियर माई फैमिली मेम्बर हैज़ जस्ट पास्ड अवे इन द मॉर्निंग, ही हैड अ हार्ट अटैक, सो आई वॉज सपोज टू गो होम बट आई कुड नॉट कैच द फ्लाइट एंड सो बट यू नो इफ आई कुड नॉट कैच द फ्लाइट देन आई शुड बी बाउंड टू माई ड्यूटी, इजंट इट? Because you guys are also been waiting for me here, है ना? So let us just go and just skip all these things. Okay, let us not discuss. So guys, let us just start, हाँ? शुरू करते हैं. So yeah, NEET paper analysis. This is 2014 का paper. And तो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं कि क्या है दैट आपने देखना है कि क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ओके? सो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? बिकॉज इसके बाद हम लोग एक ऐसे उसमें जाएंगे जहाँ पे आई विल बी गिविंग यू द टाइम लिमिट और आपको टाइम लिमिट, जैसे 45 क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास ऑलमोस्ट आधा घंटा होता है, ठीक है? तो उसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, तो टुडे वी विल बी जस्ट सीइंग दैट व्हाट आर द सॉल्यूशंस और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी तो आपके थोड़े डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, माइट बी विल बी सॉल्विंग 12 टू 13 क्वेश्चंस, ओके? सो गाइज इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना एंड ये हमारे सेशंस हैं, क्रैश कोर्स इट हैज़ बीन स्टार्टेड, इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द क्रैश कोर्स लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन टेक दैट एंड 10,000 में आपको ही मिलेगा, बट इफ़ यू वॉन्ट अ डिस्काउंट यू कैन अप्लाई दिस कोड MS NEET, या एंड यू कैन
टेक दैट. एंड इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना है, अगर आपका सिलेबस कम्प्लीट हो चुका है, तो वट यू कैन डू इज इट्स ऑलरेडी बीन स्टार्टेड फ्रॉम द 14th of February. यू कैन टेक दैट. ओके, आप उसको ले सकते हो और मुझे लगता है कि आपको ले लेना चाहिए ये, इफ़ यू आर रियली एस्पिरेंट यू नो टू बी ना भी. अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है तो यू कैन टेक दैट. 2000 में है ये, जेन्युइनली वॉन्ट यू टू टेक इट. या सो ये हमारे आज का सेशन का डिटेल है. Didn't want to miss this. That's why I've come here. Yeah, and let us just go. Karte hain fir, hai na? Okay. So here you have the first question on the board. Pehla question hai aapke saamne. Chalo, go on. You have to be because I have come here, so you have to be with me here. Come on. The first human hormone produced by the recombinant DNA technology is. Come on, guys. Yeah. Yeah. Go on. Yeah. Kya hai iska answer? Haan. A. All of you are saying A. Yeah, A is the right answer. Yeah, are you sure about that? Yeah, absolutely. A is absolutely the right answer. So let me tell you what is the analysis of this question. The first human hormone was produced by an American company, जिसका नाम था एली लिली. एली लिली कंपनी ने सबसे पहले ये हार्मोन बनाया था इन 1983 एंड इट इज़ मार्केटेड अंडर द नेम ऑफ. कैन यू प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ द हार्मोन, कौन सा नेम ऑफ द कौन सी. हाँ, एली लिली ने बनाया था और व्हाट वाज द नेम अंडर विच इट वाज मार्केटेड. हाँ, टेल मी व्हाट वाज द नेम. हाँ, क्या नाम था इसका. You should be writing the name of it. This, and you must. You have studied like 100 of times. Very good, very good. This was Humulin. Yeah, this was Humulin. So it was 1983 mein ye banaya gaya tha, and under the name of Mark. Humulin. Yeah. So that is the right answer. Huh? Isko yaad rakhna. It's a very important question. One or the other way it has been asked. Ek ya dusre way mein ye pooch liya jata hai aapse. Okay. So that is the first question. So it was an easy one. Anyways, next question here. An analysis of chromosomal DNA using the Sudden hybridization technique does not use. Kya hoga iska answer? An analysis of chromosomal DNA using the Sudden hybridization technique does not. Let me see who has given the right answer first. And as right answer is D. डी. कुछ बच्चे सी भी लिख रहे हैं. ऑटो रेडियोग्राफी. यू हैव अ कन्फ्यूजन इन ऑटो रेडियोग्राफी एंड पीसीआर. पीसीआर, आर यू श्योर अबाउट दैट. या सो या पीसीआर इज एब्सोल्यूटली द राइट आंसर. पीसीआर इज एब्सोल्यूटली द राइट आंसर. व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ दिस, लेट मी टेल यू. यू नो द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट ऑल ऑफ द थिंग्स आर गिवन इन a sequence, right? So like first of all what you do from the electrophoresis ke through aap usko DNA ko alag karte ho. You know, you remember that gel electrophoresis, you take the DNA fragments and you know take it on the side. Fir uske baad tum blotting karte ho usko nitrocellulose paper pe, right? Nitrocellulose paper pe uski blotting karte ho and then after that you see, you know, through auto radiography, whereas PCR is not at all the part of this. ठीक है. So of course Sudden जो hybridization technique है, all of these three are using that too in a sequence, not the PCR. Okay? Yeah? ठीक है, चलो. very good. So good job. Next question, which vector can clone only a small fragment of DNA? Bac, yak, plasmid, or it is cosmid. It is a spelling error. इट इज़ कॉस्मिड, है ना, लास्ट वाला कॉस्मिड है. चलो, या टेल मी. बैक, याक, प्लाज्मिड और कॉस्मिड. हाँ, ऐसा तो नहीं है तुम लोग वो आंसर की तो नहीं लेके बैठे हो साथ में. डोंट डू दैट. हाँ, जस्ट ट्राई टू बी ऑनेस्ट, है ना. ऑनेस्ट रहने का वो करना कि हाँ उसको मत बनना. आर यू श्योर बैक. हाँ, ठीक है, चलो. वेरी गुड. So yeah, you are absolutely right. Plasmid is absolutely the right answer. Yes, very good. बहुत बढ़िया. Plasmid. I really wanted to see, but कि इसने पहला, मैं बाद में देखूंगी चैट कि कौन आंसर दे रहा था पहले. So guys, let me tell you यहाँ पे क्या है, that back जो है
कितना डीएनए होल्ड कर सकता है. इट कैन होल्ड अप टू, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट कैन होल्ड अप टू 120 to 300 KB ऑफ द DNA, राइट. ये हो गया बैक का. याक ऑन द अदर हैंड थोड़ा ज़्यादा कर सकता है, अप टू 2000 KB जो है ये DNA हैंडल कर सकता है. जबकि प्लाज्मिड की हम लोग बात करें तो प्लाज्मिड कैन होल्ड अप टू 10 KB, राइट. और जबकि हम कॉस्मिड की बात करें, दिस इज कॉस्मिड, कॉस्मिड की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा करता है, दैट इज 45 KB, ठीक है, 45 KB. तो आप देख लो कि ओनली स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ DNA किसके पास है, दैट इज ऑन प्लाज्मिड. तो इसका एनालिसिस हो गया, ओके. सो आप इसके नोट डाउन कर लो, इसके इसके या इसके इसके जो यूनिट्स हैं वो भी नोट डाउन कर लो, ठीक है. या समझ आ गया सबको, या तो यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट 10 KB इसका जो है वो आंसर है, या ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस जस्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. या अ मरीन कार्टिलेजिनस फिश विच कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रिस्टिस, टॉर्पीडो, ट्राइगोन और स्कॉलियोडॉन, कौन सी है. या लेट मी सी, नाउ आई कैन सी युविका शर्मा मैम, सी बी सी, आई यू श्योर, विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. हाँ बी सी, काफ़ी बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं. टू ओके बी. सो जो भी बच्चों ने बी आंसर लिखा है, दैट इज एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर, एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर. बी जो है दैट इज बिल्कुल करेक्ट आंसर है. और देखो यार मैं आपको बता देती हूँ, इट्स वेरी ईजी एक्चुअली. याद रखने के लिए मैंने आपको 2-3 मेमोनिक बताए थे इसके कि क्या है. प्रिस्टिस को हम कहते हैं सॉफिश, है ना, सॉफिश होती है. जैसे कि अगर आप इसका पिक्चर भी देखोगे तो ऐसे ऐसे करके इसके टेंटिकल्स काइंड ऑफ होते हैं, है ना, सॉ जैसे, है ना, सॉ. हिंदी में आरी बोलते हैं सॉ को, राइट. टॉर्पीडो जो है आपका, दैट इज योर इलेक्ट्रिक रे, है ना, इलेक्ट्रिक रे इसको हम बोलते हैं. और ट्राइगन जो है हमारा वो है स्टिंग रे. स्कॉलियोडॉन इज डॉग फिश, जिसको हम शार्क बोलते हैं, ठीक है. आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इलेक्ट्रिक रे इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. इलेक्ट्रिक रे में जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, डू यू नो दैट, किसी को पता है इसके बारे में. इलेक्ट्रिक रे में जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है. इलेक्ट्रिक ऑर्गन, या दैट इज कर, हाँ, वॉट, वेयर इट इज प्रेजेंट, हेड रीजन में. हाँ हेड रीजन में, नियर द आई, यस यस एग्जैक्टली, या हाँ ठीक है, या सो इट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द आई, है ना, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द आई. और ये इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इसमें ऑर्गन होता है, वट एवर द इलेक्ट्रिकल ऑर्गन जो है इसमें, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन जो है, दैट इज अ मॉडिफाइड मसल. क्या है वो मॉडिफाइड मसल है, ठीक है. ये आप इसका नोट कर लो, दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन कि कहाँ प्रेजेंट होता है. दिस बिहाइंड, नॉट इन फ्रंट ऑफ दाई, सॉरी, बिहाइंड दाई, बिहाइंड दाई, प्रेजेंट बिहाइंड दाई, सो सॉरी अबाउट दैट, बिहाइंड द आई, ठीक है. आई के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होता है और ये मॉडिफाइड मसल है, ठीक है, जो कि करंट प्रोड्यूस करता है, राइट. समझ आ गया सबको ये, डन. हाँ, नॉट इन फ्रंट ऑफ द, बिहाइंड द आई, प्लीज नोट इट डाउन. हाँ अभी मैंने इसको वो किया है, राइट. समझ में आ गया सबको, या कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये, आप बताओ, कौन मुझे बताएगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये, प्लीज राइट इट हियर, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये बताओ. विच चैप्टर्स क्वेश्चन इज दिस, या बताओ, यहाँ बच्चे बता देंगे मुझे लिख के. हाँ ओके, एनिमल किंगडम का, यस यस यस, इन दे आर टेलिंग. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर. आप इसमें से करेक्टली मैच्ड पेयर जो है वो चूज करो. चलो लुक एट दैट ऑन द स्क्रीन एंड जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हाँ, ऑल ऑफ यू आर सेइंग सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. कुछ बच्चे टू भी लिख रहे हैं, या थ्री, थ्री टू, ओके ओके राइट.
सो जो बच्चों ने भी सी लिखा है दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर. इट इज़ वेरी करेक्ट. अब मैं आपको बता देती हूँ क्या एनालिसिस है इसका. देखो इसमें क्या क्या गलत दिया हुआ है. ओके सो देखो बच्चे यहाँ से हम अगर हम देख सकते हैं टेंडन इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. आप भी अपने अपने आंसर्स यहाँ पे लिखते जाओ ठीक है कि क्या है टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. नहीं है रादर इट इज़ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ना. इट इज़ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू तो ये इसका राइट आंसर होना था. एडिपोज टिश्यू इज नॉट अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू रादर इट इज़ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू. तो ये इसका सही आंसर होना था ठीक है. ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये तो सही आंसर है ही है. कार्टिलेज इज नॉट अ लूज कनेक्टिव टिश्यू इट इज रादर अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू राइट. तो ये इसका एनालिसिस हो गया. कर लिया नोट कर लिया सबने ये है ना. किस किस को आता था पहले से ये किस किस को पहले से ही आता था ये आता था सारा कुछ पता था पहले से ये डन. कार्टिलेज स्पेशलाइज है हाँ आता था. वेरी गुड 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 वेरी गुड वेरी नाइस आता था ना. चलो गुड ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दिस ईयर ऑल्सो बिकॉज एवरी ईयर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन पॉपिंग इन द एग्जाम्स. हाँ सो प्लीज इसको अच्छे से करो. चलो इसका क्या आंसर है देखो. गुड 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 हाँ ओके सी आंसर है इसका. आर यू श्योर ऑल ऑफ यू. या बी तो नहीं है कहीं इसका आंसर कि सी है. वेरी गुड. सो नो दोज हु आर राइटिंग द सी दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट है ना. सी आंसर इज एब्सोल्यूटली करेक्ट बिल्कुल सही है सी आंसर. एंड व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ दिस. अगर सी इज द करेक्ट आंसर दैट मीन्स ये जो है दैट इज करेक्ट है ना. ये तो करेक्ट ही है. और ये क्यों गलत है. इनर लाइनिंग ऑफ द सलाइवरी डक्ट इज नॉट बाय सीलिएटेड एपिथीलियम रादर. कोई मुझे बता सकता है कि इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट किससे लाइंड होती है. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द सीलिएटेड एपिथीलियम लाइंड बाय. बता सकता है कोई मुझे. हाँ टेल मी एनीबडी. हाँ नो कंपाउंड नो स्क्वामस हाँ हाँ आंसर आ गया है वैसे मेरे पास बट ये स्पेलिंग सही नहीं है. सो इट इज़ अ क्यूबॉइडल. नबीन ने आंसर दिया था पहले एंड देन आदित्य अग्रवाल ने आंसर दिया है क्यूबॉइडल एपिथीलियम है ना. ये दिस इज़ क्यूबॉइडल एपिथीलियम है ना. ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम है ओके. तो इसका सही आंसर है. ये इसका एनालिसिस हो गया. ये इसका सही आंसर होना था. मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथीलियम. ये भी गलत है. कोई मुझे बता सकता है इसका क्या इसका इसकी जगह पे क्या आएगा. ग्लैंडुलर एपिथीलियम की जगह पे क्या आएगा कोई मुझे बता सकता है. हाँ सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है. हाँ बताओ सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी में क्या आएगा. हाँ बिल्कुल ठीक है. कंपाउंड यस कंपाउंड टू बी वेरी वो स्पेसिफिक स्ट्रैटिफाइड. हाँ स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम होगा इसमें. स्ट्राटा है ना. यस हाँ तुम्हारा कंपाउंड भी ठीक है. इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंकियोल्स इज स्क्वामस एपिथीलियम. अब देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे एक आंसर सही होता है और एक आंसर ज़्यादा सही होता है. तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ है. ये जो नीचे वाला आंसर है ये कम सही है और ये ज़्यादा सही है. बिकॉज अगर तुम ब्रोंकियोल्स के सरफेस को ऑब्जर्व करना शुरू करो तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्यूबॉइडल. ये स्टार्ट होता है आपका क्यूबॉइडल से. उसके बाद में ये जैसे जैसे नीचे जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फिर इट बिकम्स कॉलमनार. कॉलमनार से जाते जाते फिर देन एट द एंड इट रीचेज टू द स्क्वामस एपिथीलियम. सो एक वे में इट इज़ करेक्ट बट द मोर करेक्ट आंसर इज दिस. यू गेटिंग दैट. ठीक है समझ आ गया सबको. आई थिंक ये हो गया होगा सबको क्लियर अभी तक. या गुड गुड वेरी गुड. सो दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन. अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7. सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एंजाइम एक्शन. देखो
लेट मी सी कौन देता है इसका आंसर सबसे पहले. या नॉट करेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्ट, जो कि करेक्ट नहीं है. दीदी पानी दे देना मुझे. हाँ ओके या सो टू इज द राइट आंसर. एवरीबडी इज अग्रीड ऑन दिस. टू सही आंसर है इसका. या बी इज द राइट आंसर. यू आर एब्सोल्यूटली राइट. बी इज एब्सोल्यूटली द राइट आंसर. जिन जिन लोगों ने भी जेन्युइनली बी टिक किया है बिल्कुल सही आंसर है इसका. अब एनालिसिस क्या है, वाई दिस इज नॉट. एक मिनट पानी पी लेती हूँ फिर उसके बाद आई विल कम बैक टू यू. हिंदी बोर्ड वाले कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट हो सकते हैं? आप हिंदी बोर्ड वाले जो ये पेपर सॉल्व कर रहे हो तुम अपने साथ में वो पेपर लेके बैठ सकते हो ना 2014 का. अगर आपको ये पेपर ही एनालाइज करना है तो यू कैन सिट, बिकॉज आपको लिख तो दिया होता है ना थंबनेल पे कि 2014 का पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं. हाँ तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको एनालाइज करते हैं थोड़ा सा कि क्या बोल रहा है ये, कि सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है तो पहले तो आप ये देखोगे कि ये नॉट करेक्ट बोल रहा है. दैट मीन्स ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ओनली वन इज़ नॉट करेक्ट. तो पहला बिल्कुल सही है, सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एट इट एक्टिव साइट, ऐसा ही होता है. ठीक है दूसरा देखो ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें बाद में आते हैं पर ये देखते हैं कि ये गलत क्यों है. तो इट इज़ सेइंग एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट does not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase by malonate. तो जिसको को नहीं पता है, जिसको तो पता है पहले से बहुत अच्छी बात है, पर इसका explanation क्या है देखो. succinate dehydrogenase एक enzyme है. succinate dehydrogenase is an enzyme. ये एक enzyme है जिसका substrate क्या है, जिसका substrate है आपका, इसका substrate है succinate. ठीक है समझना इसको, इसका सबस्ट्रेट है सक्सिनेट. समझे ना ये बड़ी एक, अगर ऐसे इसको डायग्रामेटिकली भी बताना हो तो सपोज ये इंजाइम है, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है और इसका ये इंजाइम है, दिस इज एंजाइम और इसका सबस्ट्रेट क्या है, सपोज दिस इज अ सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है आपका सक्सिनेट. ठीक है अब होता क्या है कि ये यहाँ पे बनना क्या चाहिए था, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए था, बट हुआ यूं कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है दैट यहाँ पे सबस्ट्रेट की जगह, दिस इज अ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ साथ में यहाँ पे इनहिबिटर भी जुड़ जाता है. ठीक है ना जो भी कुछ कह लो आप, ये इसका इनहिबिटर का नाम है मेलानोएट. ठीक है स्पेलिंग ठीक लिख रही हूँ मैं, मेलानोएट. हाँ मतलब देख लेना स्पेलिंग जो भी है. तो ये इनहिबिटर है ओके. तो ये क्या करता है, ये इसको ये कॉम्प्लेक्स ना बना के नाउ द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो इंजाइम क्या बना देता है, रिजल्टेंट इसका बना देता है, इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देता है. ध्यान से देखते रहना इसको, थोड़ा इंटरेक्ट कम कर पा रही हूँ बट समझ आ जाएगा तुमको, नहीं आएगा तो मुझे बता देना. ठीक है तो ये इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो है वो बना देता है. बट अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, दैट ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है. ठीक है ये क्या रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, बिकॉज ये रिएक्शन ये सक्सिनेट के साथ में नहीं हो रहा है, ये मेलानोएट के साथ में हो रहा है. अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, अगर हम लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, इनहिबिटर का कंसंट्रेशन जो है वो नीचे आता चला जाएगा. तो अब ये रिवर्सिबल है, तो अब रिवर्सिबल में क्या होगा दैट अब इनहिबिटर को हटा के यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन सकता है. ये कितने लोगों को समझ में आ गया, ये कितने लोगों को समझ में आ गया, ये आ गया आपको समझ में, आपको समझ में आ गया, कितने लोगों को समझ में आ गया, हाँ या ना में जवाब दे दो. यस आ गया, आ गया, आ गया, ठीक है आ गया ना, हाँ बस ठीक है, आना चाहिए बस समझ में है ना. हाँ ठीक है तो क्लियर है ना. हाँ
तो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इसने यहाँ पे बना दिया, तो क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन, जबकि यहाँ पे ये कहता है कि एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स, जो कि गलत है, ऐसा नहीं है, है ना, रिवर्स हो सकता है, रिवर्स हो सकता है. आपने यहाँ देखा कि दिस रिएक्शन इज वेरी मच रिवर्सिबल. ठीक है, ये समझ में आ गया ना सबको? हाँ, तो ये है मेलानोएट इज अ डायरेक्ट इनहिबिटर. ये कौन सा इनहिबिशन है, ये कौन सा कॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव है? दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. हाँ बताओ, दिस इज कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव. हाँ, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है. कॉम्पिटिटिव है, यस या कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है. ठीक है, देखो जिसको जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये क्या हो रहा है, तो उसको जाके अभी बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, है ना. अभी मैंने लेक्चर उसके लास्ट टू लास्ट वीक ही दिए हैं, तो ये बच्चे है ना, कोई एक बता देना यार इनको, जो आप अगर जानते हो, अगर यहाँ पे पूछ रहे हैं तो. ठीक है, या एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू एंजाइम एट अ साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम विच द बाइंड. नॉन कॉम्पिटिटिव क्या है कि उसकी शेप चेंज कर देता है इनहिबिटर, राइट. मेलानोएट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया अभी, ये तो वेरी मच ट्रू. ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट. टेल मी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट. कौन सा इसमें कि नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है, टेल मी. या माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और राइबोज 5-फॉस्फेट. हाँ, सुक्रोज. बहुत बच्चे बोल रहे हैं मैम सुक्रोज है. ठीक है, ठीक है, आंसर की तो नहीं लेके बैठे हो ना तुम लोग, आंसर की तो नहीं लेके बैठे हो ना? नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है. हाँ बिल्कुल सही जवाब है, दैट इज डी इज नॉट द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर. सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंड राइबोज 5-फॉस्फेट, है ना. तो लेट मी टेल यू दैट कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन है. देखो, रिड्यूसिंग, सबसे पहले हम बात करते हैं, जिस बच्चों को नहीं भी पता है, जो पहली बार बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहा है, तो ये समझ में आपको आ जाएगा. देखो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ आपको, कोई भी रिड्यूसिंग शुगर क्यों होता है, रिड्यूसिंग शुगर को रिड्यूसिंग इसलिए बोलते हैं, या तो इसमें और है ना, या तो इसमें एक, या तो इसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, या इसमें फ्री कीटोन ग्रुप होना चाहिए. ठीक है, कोई भी, तो इसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं. इसके अलावा इसका एक और जो पॉइंट है, इसको क्राइटेरिया पूरा करना होता है, एक हमारा फेलिंग्स रिएजेंट होता है ना, फेलिंग सॉल्यूशन, जो बेंडिक्स रिएजेंट जिसको हम कहते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे. जब इसको इसमें डालते हैं तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिव दे देता है. तो ये पॉजिटिव कैसे देता है, दैट इज ऑल्सो एक देखने वाली चीज़ है, कि हमारे यहाँ पे हमारे ये कॉपर आयन्स होते हैं, इसको रिड्यूस कर देता है ये. When sugar is added to this, तो इस solution में ये copper ions रहते हैं, तो इसको किस में convert कर देता है, ये cupric ions को, है ना, it is known as cupric ions, cupric ion को cuprous ion में change कर देता है sugar, ये cuprous ions में, जो कि आपका आपका तो chemistry अच्छा ही है. ठीक है, तो या समझ आया. तो ये इसके दो क्राइटेरिया, कि एक तो पहला इसमें ये फ्री ग्रुप्स होने चाहिए, दूसरा ये फेलिंग सॉल्यूशन में पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहिए. तो पॉजिटिव रिजल्ट देने में क्या करता है, ये इसके कलर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है, फ्रॉम द ब्लू, तो जो शुगर है वो रेड में कन्वर्ट कर देती है. तो ये है हमारा रिड्यूसिंग शुगर का एक्सप्लेनेशन, कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है. समझ में आ गया, इतना तक सबको समझ में आया, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, दिस एवरीबडी अंडरस्टूड, यस, सबको समझ में आ गया, यस, हाँ ठीक है. तो ये पहली एक्सप्लेनेशन है, तो दैट मीन्स आपके सारे के सारे माल्टोज भी, लैक्टोज भी, राइबोज भी, ये सारा जो है ये कवर करते हैं, लेकिन सुक्रोज नहीं ऐसा करता है. तो इसका अब इसका क्या एनालिसिस है कि क्यों नहीं करता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ. ये आपने नोट डाउन कर लिया, दिस यू हैव नोटेड डाउन, ये नोट डाउन कर लिया तुमने, ये कर लेना नोट डाउन, चाहे आता है तुमको चाहे नहीं आता है, लेकिन फिर भी हाँ करो.
हाँ तो कर लिया, डन, ठीक है. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस शुगर वाला थिंग इज दैट शुगर, सुक्रोज जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, दैट इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. अब होता या क्या है कि ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक ग्रुप और फ्रक्टोज का कीटोनिक ग्रुप, ध्यान से देखना हाँ, कीटोनिक ग्रुप और इसका एल्डिहाइड ग्रुप, ये दोनों ही क्या करते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देते हैं. ये दोनों ही क्या कर देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देते हैं, और जो कि फिर ये अब नो फ्री एंड, कोई भी फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप नहीं बचता है. नो एल्डिहाइडिक और नो कीटोनिक ग्रुप फ्री. तो इस वजह से, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया, इसलिए ये शुगर जो है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है. समझ में आ गया सबको ये? यस, ये सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला, राइट? डन, डन हो गया ये, डन है? किस किस को समझ में आ गया ये बता दो मुझे. या हो गया ना ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? यस, ठीक है, ठीक है. चलो नेक्स्ट चलते हैं. सब नोट कर लिया होगा तुमने ये. द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय, जो इनिशियल स्टेप है डाइजेशन ऑफ मिल्क में ह्यूमन्स में, वो कौन सा, कौन कैरी आउट करता है? चलो शाबाश, जल्दी बताओ. हाँ, गुड गुड, वेरी गुड. चलो हाँ, टेल मी. हाँ हाँ, सो ऑल ऑफ यू आर सेइंग सी दैट इज रेनिन, एंड रेनिन इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. इसका क्या एक्सप्लेनेशन है बच्चा, आपको वैसे पता ही होगा. द फर्स्ट स्टेप जो है, हाँ, रेनिन, आर ई डबल एन आई एन. सबसे पहला स्टेप तो आपको यही देखना है कि यहाँ पे डबल एन होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज एक आर ई एन आई एन भी होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन, वो आपका किडनी से लेना देना है उसका. तो क्या एक्सप्लेनेशन है इसका, मिल्क में एक प्रोटीन होता है. चलो लिख के बताओ जरा, मिल्क प्रोटीन का नाम क्या होता है? मिल्क प्रोटीन का नाम क्या होता है, जो मिल्क में प्रोटीन होता है, बताओ. हाँ, टेल मी, टेल मी. कैसीन, कैसीन प्रोटीन होता है, वेरी गुड. कैसीन प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन है, वेरी गुड. तो ये एक्चुअली किस में कन्वर्ट होता है मिल्क प्रोटीन, ये आपका पैरा कैसीन में कन्वर्ट होता है, राइट? पैरा कैसीन में कन्वर्ट होता है, और जाहिर सी बात है इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है आपका, रेनिन हेल्प करता है, द फर्स्ट स्टेप, ठीक है. इसके बाद में द पेप्सिन लेटर ऑन टेक ओवर, ठीक है. ये सबको समझ में आ गया, ये कर्डलिंग है ना, इसको फिर ये कर्डल्ड हो जाता है. अभी ये कर्डल्ड मतलब ये कर्डल्ड मिल्क हो जाता है, अभी पहले मिल्क होता है फिर हाँ दूध से दही, एग्जैक्टली, बिल्कुल सेम. या आई थिंक इट शुड बी क्लियर अभी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी था. फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोजा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज, बताए फ्रक्टोज कैसे, किस किस किसकी हेल्प से होता है? हाँ चलो बताओ. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट? या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेक्ट आंसर है. एग्जैक्टली, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर. इसका एनालिसिस क्या है, मैं आपको बता देती हूँ इसका क्या एक्सप्लेनेशन है. इसका एक्सप्लेनेशन है दैट इट इज़ नॉट एक्टिव ट्रांसपोर्ट. वाई इट इज़ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जो बेटा फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज जब म्यूकोजा सेल्स में ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन रादर, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. इन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का बेटा क्या नाम होता है, कोई मुझे बच्चा लिख के बता सकता है कि इस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का क्या नाम है?
ये इसका मतलब है कॉल्ड एज. मैं जब नोट्स बनाती थी अपने कॉलेज में तो मैं इसको यूज़ करती थी, कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड एज परमीएजिस. ठीक है, ये परमीएजिस के हेल्प से क्या करता है ये ट्रांसपोर्ट, बिकॉज इसमें क्या है, हाँ कैरियर प्रोटीन्स है, एग्जैक्टली कैरियर प्रोटीन्स या ठीक है. अच्छा ठीक है, परमीएजिस क्या है, परमीएजिस राइट एग्जैक्टली. तो अभी क्या कहता है कि ये जो, क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन है, सो फैसिलिटी चाहिए इसको. इसको क्या चाहिए, फैसिलिटी चाहिए. ठीक है, फैसिलिटी चाहिए इनको स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, इसलिए इसको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. ठीक है, अगर नहीं चाहिए होती है स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन की फैसिलिटी, देन इट वुड हैव बीन नॉर्मल ट्रांसपोर्ट. ठीक है, डन डन हो गया ये सबको समझ में आ गया, यस डन, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पार्ट, अंडरस्टूड नो. हाँ तो ये, हाँ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन से हैं, परमीएजेस हैं, एंड इट इज़ लाइक दैट. या वेरी गुड, सो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन. अभी हमारे पास है 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लें. सो यू वांट टू सॉल्व 2 or 3 क्वेश्चंस मोर, और इज दैट इट, बता डन, कैन वी सॉल्व 1-2 क्वेश्चंस मोर. या ठीक है चलो कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं. या नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इजी. पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज, या पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज, देख के आंसर देना. हाँ ओके ओके, सो ऑल ऑफ यू आर सेइंग आंसर ए, एंड आंसर ए इज लाइक 1 आंसर इज वेरी मच करेक्ट. तो वैसे तो ये बहुत इजी है, मुझे लगता नहीं कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू, हो सकता है कोई 11th वाला बच्चा देख रहा हो इसको अभी, तो 11th वाले बच्चों के लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो बेटा देखो, ये हमारा आरबीसी है, दिस इज़ आवर आरबीसी, एंड इस पे हमारे एंटीजन्स होते हैं विच आज लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स. ठीक है, तो इस आरबीसी पे सपोज ये जो पर्सन है इसका ए बी ब्लड ग्रुप है, तो दोनों तरह के प्रेजेंट होंगे, ए बी होगा बी बी होगा, ए बी बोथ टाइप होंगे, है ना. तो हाँ ए कुछ भी कह लो, है ना, ए बी दोनों होंगे. तो अगर सपोज ये इसका प्लाज्मा है साइड में, है ना, दिस हियर इट इज द प्लाज्मा, तो इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होंगी, दीज ऑल आर एंटीजन्स. ये ए भी एंटीजन है, बी भी एंटीजन है. तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी नहीं प्रेजेंट होगी. क्यों नहीं प्रेजेंट होगी, अगर प्रेजेंट होती भी है, सपोज आती भी है बाहर से, अगर हमने किसी का ब्लड ले भी लिया, तो इस पर्सन की जो बॉडी है इसको एज अ फॉरेन वो नहीं देखेगी, इसको वो सेल्फ एंटीजन देख लेगी. क्या देखेगी, सेल्फ एंटीजन देखेगी. तो इसको वो इससे जुड़ेगी ही नहीं, क्योंकि क्या है, दिस ऑल आर द सेल्फ एंटीजन जो इसमें पहले से ही प्रेजेंट हैं, सेल्फ एंटीजन्स, है ना, ए बी है बी बी है. तो कोई भी एंटीबॉडी इससे मतलब वो ही नहीं करेगी, राइट, बाइंड नहीं कर पाएगी, राइट. समझ में आ गया सबको ये, आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर. नो एंटीबॉडी बिकॉज इट हैज़ ऑल ऑफ द, आती भी है तो ये इसको सेल्फ एंटीजन जो है वो जज करेगी. ओके या तो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबेक्टमी इज अ मैथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच, ट्यूबेक्टमी इज अ मैथड ऑफ स्टरलाइजेशन विच, बताओ. हाँ ट्यूबेक्टमी क्या है, बिल्कुल सही है. आई थिंक इसका मुझे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं होगा कि क्या है, बिकॉज ये सबको पता ही है कि क्या है. दैट इज 1 इज द राइट आंसर. ट्यूब मैंने क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं. एक्टमी वर्ड का मतलब होता है कट करना, तो ट्यूब एक्टमी, फेलोपियन ट्यूब को कट कर देना, और कट कर देना उसको, कट करके टाई कर देना, है ना, रिमूव्ड और टाइड अप,
या तो उसके स्मॉल पार्ट को कट करके निकाल देते हैं या उसको टाई कर देते हैं, राइट? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. सिलेक्ट द टेक्सॉन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज. ये हमने कल ही किया है, जब हमने वन शॉट किया था ना, मैंने आपको कहा था कि इस पे हैबिटेट पे ज़्यादा ध्यान देना है. हाँ, तो कौन सा है इसमें जो कि बोथ मरीन और फ्रेश वाटर हैं? या गुड गुड गुड. हाँ, आर यू श्योर फोर्थ इज द राइट आंसर? आर यू श्योर अबाउट दैट? श्योर? सो यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट. नाइडेरिया इज द राइट आंसर. हाँ, आ गया. तो देखो यहाँ ये जो ऐसा टाइप क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है पेपर में और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इकाइनोडर्म्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है. टीनोफोरन्स आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मरीन. एक्सक्लूसिवली, जिसको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है सिर्फ मरीन, सिर्फ मरीन होता है. सिफेलोकॉर्डेटा अगेन एक्सक्लूसिवली मरीन. ये मरीन, इनका हैबिटेट पूरा मरीन होता है. नाइडेरिया नो, दे आर फ्रेश वाटर ऑल्सो. सीलेंट्रिट्स की बात कर रहे हैं ना ये, तो हाइड्रा आपको पता है, हाइड्रा इज अ फ्रेश वाटर में रहता है ना, तो ये सीलेंट्रिटा, तो ऑफकोर्स इसका आंसर 4 होना था, ठीक है, राइट? समझ आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू पैरासिम्पथेटिक, अच्छा इसको, इस क्वेश्चन का इसका वो शफल हो गया, चलो एनीवेज. हाउ डू पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट? पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल्स जो हैं वर्किंग ऑफ द हार्ट को कैसे अफेक्ट करते हैं? मैंने तो आंसर बता ही दिया मुझे. हाँ, ए इज द राइट आंसर. पक्का श्योर है? मैंने गलत भी लिखा हो सकता है. मे बी आई वुड हैव रिटन रॉन्ग, सो वॉट, गलत लिखा हो मैंने तो, अगर आपने देख भी लिया है तो. आंसर 1, रिड्यूस द बोथ हार्ट रेट एंड द कार्डियक आउटपुट, है ना, कार्डियक आउटपुट और बोथ हार्ट रेट को. इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा है, ठीक है, चलेगा? चलेगा हाँ, या डैम श्योर? अच्छा डैम श्योर, अच्छा उसके लिए ओके. या चलेगा, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लंबा है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी, है ना, दौड़ेगा, ठीक है. हाँ, तो आई विल बी गोइंग होम. अभी मैं घर जाऊंगी शायद 2-3 दिन के लिए, तो अभी तो मुझे आज नहीं मिला, फ्लाइट नहीं मिला, तो कल मॉर्निंग में, सो यू माइट नॉट बी एबल टू सी मी फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज, ओके. सो आई विल बी बैक सून एंड यू कीप स्टडिंग टिल देन, ओके, ठीक है, ओके. सो या आई विल मीट यू इन नेक्स्ट 2 or 3 डेज, राइट? या यू टेक केयर एंड यू डोंट लीव द स्टडीज. हाँ, स्टडीज करते रहो इसको, ऐसे एक्सप्लेनेशन, ऐसे पेपर के एनालिसिस हम लोग करते रहेंगे, ठीक है. ऐसे पेपर के एनालिसिस करके आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल गेन हो जाएगा. आज कितने लोगों को अच्छा लगा यहाँ पे मुझे बताओ, ऐसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके, हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट गुड? हाँ बताओ. हाँ, अच्छा लगा आपको आज क्वेश्चन सॉल्व करके, अच्छा लगा? हाँ हाँ, या गुड, अच्छा लगा ना? हाँ, तो ऐसे जब हम लोग 5-6 पेपर को सॉल्व कर देंगे और आप को एक्सप्लेनेशन भी पता चल जाएगा, बिकॉज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट अप हो जाएगा, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड यस, देखो सारा पेपर पड़ा हुआ है वैसे, कुड हैव डन बट एनीवेज डजंट मैटर. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड यस, क्रैश कोर्स अगर आपको देख लो, अगर आपको लेना है क्रैश कोर्स, सो यू कैन टेक द क्रैश कोर्स.
और लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाके आप क्लिक कर सकते हो उस पर और उसको ले सकते हो. एंड टेस्ट सीरीज़ ले लो, मैं अभी भी कह रही हूँ आई थिंक यू शुड टेक इट. एंड लगा सकते हो उसमें, कूपन कोड लगा सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है नीचे. ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना. ओके ठीक है, चलो चले फिर, आई विल सी यू इन अ वाइल, यू टेक केयर. ओके चलो, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय.